हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम यहाँ पे ड्राइंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्केच बुक को स्टैंडिंग पोजीशन में रखकर आज फ्लैग का ड्राइंग करने वाले हैं। तो नेशनल फ्लैग के लिए सबसे पहले हम स्केल से सेंटर में ऐसे दो स्टैंडिंग लाइनें ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी है नेशनल फ्लैग का ड्राइंग। फिर यहां से ऐसे जॉइंट कर देंगे, फिर ऐसे वेव्स के जैसे चार लाइनें बनाएंगे, फिर यहां से उसको ऐसे जॉइंट कर देंगे, फिर बीच वाले लाइन में हम अशोक चक्र का ऐसे ड्राइंग करेंगे, ऐसे। इसके बाद हम नीचे तीन स्टेप्स बनाएंगे ऐसे स्लीपिंग लाइन में। तीन स्टेप्स के बाद हम यहाँ पे उसकी रूप बना डालेंगे, फिर यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स। ओके, तो हमारा ड्राइंग इधर रेडी है। अब हमें उसकी बॉर्डर के लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज करना है। जहां पे हमने स्केल यूज की है वहां पे स्केच पेन भी हम स्केल से ही करेंगे ताकि उसका एकदम फिनिशिंग आ जाए ऐसे। ब्लैक बॉर्डर करना कंपलसरी है। ओके, ब्लैक स्केच पेन के बाद हम कलरिंग करेंगे। हम यहाँ पे ऑयल पेस्टल्स कलर यूज करेंगे। तो फ्लैग, नेशनल फ्लैग में कौन कौन सा कलर आता है वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। नीचे का व्हाइट पेपर देखिए ना, ऐसे पूरे में कलर करना है। यहाँ पे व्हाइट कलर। और यहाँ पे लास्ट में ग्रीन। बॉर्डर के बाहर कलर जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे वायलेट। ओके, यहाँ पे ब्लैक कलर।
फ्लावर में हम रेड कलर ले रहे हैं। और स्टेप्स में हम अपनी चॉइस से कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर ले रही हूँ। ओके, डन। तो हमारी ये फ्लैग का ड्राइंग बिल्कुल रेडी है।